तो बेसिकली हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि हमने आपको लास्ट क्लासेस में दिया था, जिसका नाम था पिक्चर लुकअप। तो पिक्चर लुकअप का प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लासेस में दिया था, उसी के बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वो यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो को थोड़ी देर में देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं डेली बेसिस पे कुछ प्रमोशनल वीडियो डालता हूं। तो क्वेश्चन है कि पिक्चर लुकअप का, कि हाउ कैन लुकअप योर पिक्चर। तो आप लोगों ने वी लुकअप, एच लुकअप जैसे टॉपिक तो किए होंगे, क्या सर? जी सर। तो उसमें क्या है कि डेटा लुकअप होता था, मतलब कि एक सेल के अंदर में जो डेटा है उस डेटा को हम लुकअप करते थे, राइट? लेकिन यहां पे बात हो रही है लुकअप पिक्चर की, कि हम पिक्चर कैसे लुकअप करें। जैसे मैं यहां पे डेटा हो गया, ठीक है, और यहां पे हो गया रोल नंबर, और यहां पे पिक्चर पीएलसी, और हम इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं। सर मेरा पास 2017 ये एमएस ऑफिस। कोई बात नहीं, 2017 और उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ पे कुछ फोटो जैसे नाम किसी लेता हूँ, रवि का नाम ही सर्च करता हूँ, रवि नाम के जितने भी फोटो जो होंगे वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉपी इमेज किया और इस इमेज पे यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एंड पेस्ट। आइए अब पिक्चर्स को एक साइज में रखना होगा और हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। देखिए ठीक है, फसाओ छोटा कर दीजिए जी, चाहिए तो। बेसिकली जो काम तुम कर रहे हैं ना, इस काम के लिए हम लोग VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते थे, और यहां पे VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की जगह पे एक्सेल की फीचर्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये जो है मैंने एक स्कूल में किया था, एक स्कूल के लिए किया था, बेसिकली एक स्कूल था उसमें स्कूल का स्टूडेंट डेटा था। तो स्टूडेंट डेटा के वी लुकअप से डेटा तो आ जाता था रोल नंबर डालते ही,
लेकिन वो उनकी फोटो लाना चाहते थे कि रोल नंबर डाल दो उसका फोटो भी आ जाए, तो फोटो के लिए दिक्कत था वहां पे। और उनके लिए वीवी प्रोग्रामिंग कर दी थी लेकिन वीवी प्रोग्रामिंग प्रॉपर वर्क नहीं करता था क्योंकि एक्सेल जो है ना ओपन ऑफिस था वहां पे इस कारण से। तो यहाँ पे हमने कुछ सैंपल रख दिए। अब सीट वन जो है हमारा, इसमें मैं चाहता हूं कि वन करो यहां पे डेटा आ जाए, राइट। तो सबसे पहले किसी एक को कॉपी करता हूं और यहां पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देता हूं, ठीक है। बी टू यहां देखिए बी टू हो गया, बी वन आ गया, बी थ्री करूंगा तो बी थ्री आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बी फोर बी फाइव, बी फाइव नहीं है तो नहीं है, बी फोर चेंज करने से आता है। लेकिन आई वॉन्ट टू कनेक्ट दिस, इससे कनेक्ट करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी नंबर को, जो भी नंबर आपका हो, किसी भी नंबर को किसी कॉलम के अंदर में फाइंड करता है, फाइंड करके उसका कॉलम इंडेक्स नंबर देता है। इसने बता दिया कि एक नंबर रोल नंबर दूसरे नंबर रो पे है। यहाँ पे देखिए कि एक नंबर रोल नंबर दूसरे नंबर रो पे है, तो दूसरा नंबर रो इन्हें यहाँ पे इसने शो कर दिया, राइट। बट हमें यहां जो चाहिए ये डेटा बिफोर इस तरह का चाहिए, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहां इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास कॉनकाटा मेक होता है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, समझे? ये समझ में आया जितेंद्र जी और नरेश जी? जी सर, है सर। जितेंद्र जी समझ में आया आपको? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। क्या दिक्कत है बताइए, ये एक बार दोबारा समझाएं सर। नहीं समझिए, क्या दिक्कत है बताइए ना, आपके सामने फॉर्मूला है। नहीं ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना सर, ये समझ में नहीं आया लास्ट में जो लगाया। देख बेसिकली क्या है कि मैच मैच क्या करता है, इसका रो नंबर निकाल के दे दिया, ठीक है, और ये हमारा बी में है, तो हमें क्या करना है, डेटा को लुकअप करना है डेटा शीट के बी कॉलम से, और जो रो नंबर ये दे उस रो नंबर से। जी समझिए, तो ये इस तरह से होना चाहिए ना, बी टू बी थ्री बी फाइव इस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली कि डेटा बी अलग है और टू हमारा अलग है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए से मान लीजिए ना कि एक सेल पे सुजीत लिखा हुआ है, दूसरे सेल पे कुमार लिखा हुआ है, मुझे एक इस सेल पे सुजीत कुमार इकट्ठे चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं एम परसेंट का साइन लगा देते हैं, समझे, ज्वाइन हो जाता है, समझे। तो यही पे मैंने एम परसेंट का साइन लगाया हुआ है कि इसको इसको आपस में ज्वाइन कर दे, ओके, समझ गया जी सर। आ गया आपका, तो यहां पे कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसको लिंक कैसे करें। याद होगा मैंने आपको बोला था कि हम डिफाइन नेम में, अगर मान लीजिए कि डिफाइन नेम करते हैं, और डिफाइन नेम में से मैंने डाल दिया यहां पे पी आई सी पिक्चर, और यहां पे आपको याद होगा लास्ट क्लास बताया था कि हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया था, इनडायरेक्ट, और इसके अंदर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहां पे इक्वल में हम पीआईसी कर देते हैं। अब यहां पे वन की जगह टू डालूंगा, थ्री डालूंगा, फोर डालूंगा,
कोड नहीं, इसलिए एरर आया। ठीक है, समझ में आया सर? जी बिल्कुल सर। तो ये पिक्चर लुकअप की पार्ट समझ में आ गई आप लोग के, पिक्चर लुकअप कैसे करते हैं। यस सर जी। तो बेसिकली जो है ना कि अब ये इसका मेथड हम आपको बता दें, इसका मेथड क्या है। मेथड ये है कि हम हर एक सेल में फोटो रख देंगे और उसके सामने उसका रोल नंबर में यूनिक आईडी जिससे हमें लुकअप करना है वो यूनिक आईडी रख देंगे। मैच क्या करेगा, उस यूनिक नंबर के अकॉर्डिंग लुकअप करके बताएगा कि उसका रोल नंबर क्या है। ठीक है जी सर। और उसके बाद ये हमारे सेल का बाकी एड्रेस है, क्योंकि मान लीजिए B2 B3 B3 चाहिए डेटा शीट से, तो मैंने इसका एड्रेस कॉपी कर रखा है और फिर हम कॉल का एंसर दोनों को कंबाइन कर देते हैं। समझ गए? जी सर। जी सर। उसके बाद डिफाइन नेम। उसके बाद बेसिकली क्या है कि हम जानते हैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो आपका पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक है वो किस तरह की फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन नेम मैनेजर को एक्सेप्ट कर लेता है। समझ गए? यस सर। तो नेम मैनेजर को एक्सेप्ट कर लेता है, समझिए जी सर। तो नेम मैनेजर को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो हमने क्या किया, हमने नेम मैनेजर डिफाइन किया एक, और नेम मैनेजर डिफाइन करने के बाद इस जो फॉर्मूला हमें लगाना था वो लगाया था आपको। हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्यों लगाया, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाने का पर्पस यही था। तो लगाने का पर्पस यहाँ पे ये था कि मतलब कि ये जो हमारा डेटा है इस एड्रेस से उसको लिंक करना है, तो ये एड्रेस डायरेक्ट इसको पिकअप नहीं करेगा, तो इनडायरेक्ट क्या करेगा कि ये जो एड्रेस है ये टेक्स्ट में, क्या सर? तो टेक्स्ट में जो एड्रेस है तो टेक्स्ट में जो एड्रेस आपका दिख रहा है वो टेक्स्ट को मतलब कंसीडर नहीं करता है, तो यहां पे हमने इसका इस्तेमाल किया है इनडायरेक्ट का, ताकि उसको कंसीडर कर सके। समझे? ये सेकंड में तन्ना सर क्या बोल रहे, सेकंड मेथड तो प्रीवियस क्लास में थोड़ा चेंज है, आज थोड़ा चेंज है। प्रीवियस क्लास में तो हमने एक एरिया को लुकअप किया था, यहाँ पे एरिया को लुकअप नहीं कर रहे। समझे? ठीक है सर। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना यह है